रियलिटी थोड़ी सी अलग होती है जो चीजें होती है, और रियलिटी दिखाओगे तो कोई ज्यादा मोटिवेट नहीं होगा। हमारे सोसाइटी का सबसे बड़ा दिक्कत यही है कि हमारे सोसाइटी में बचपन से पेरेंट्स लोग हमें कभी सच्चाई बताते नहीं है। हर कोई बोलता है भाई ये पढ़ लो उसके बाद कामयाबी है, ये पढ़ लो उसके बाद कामयाबी है, ये पढ़ लो उसके बाद कामयाबी। सच्चाई कोई नहीं बताएगा, लेकिन अगर सच्चाई लोग बता दे कि प्रॉब्लम्स, लोग बोलता है प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी इसके बाद, पूजा करो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, मम्मी पापा की सेवा करो प्रॉब्लम, कभी। जबकि रियलिटी ये है कि जैसे दिन है वैसे रात है, जैसे सुख है वैसे दुख है, जैसे फेलियर है वैसे सक्सेस है, जैसे कि हैप्पीनेस है वैसे सैडनेस है, जैसे प्रॉब्लम है वैसे सोल्यूशन है। आप प्रॉब्लम इज द पार्ट ऑफ लाइफ। जिस दिन ये सच्चाई लोग बताने लग जाएंगे बेटा प्रॉब्लम कभी नहीं खत्म होती, उससे लड़ने का हिम्मत लाना पड़ता है। आप चाहे पीएचडी कर लो, चाहे आप यूपीएससी कर लो, चाहे आप किसी मिलीनियर के अंबानी को टेंशन नहीं होती होगी, सभी को होती है। प्रॉब्लम लोगों को ये बताना जरूरी है कि प्रॉब्लम इज द पार्ट ऑफ लाइफ, इससे बचना नहीं है, इससे निकल के अपना सोल्यूशन ढूंढना है। लोग प्रॉब्लम से बच जाओ, मोटिवेट हो जाओ। लोग कहते हैं जिंदगी में खुश कैसे रहें, अरे ये थोड़ी बताना होता खुश कैसे रहें, ये बताना होता कि दुख और सुख दोनों हिस्सा होता है, प्रॉब्लम और फेलियर दोनों हिस्से होते हैं। इसमें आप किसी के ऊपर ज्यादा चूज करो। जिस दिन ये चीज हो जाएगी जहां पे लोग अनबायस्ड हो जाएंगे, उस दिन कोई ऐसे सुसाइड नहीं करेगा, कोई ऐसे नोट छोड़ के नहीं जाएगा, क्योंकि मेंटल प्रेशर क्रिएट कर देता है लोग बच्चों के ऊपर कि यही जिंदगी है, यही करोगे नहीं तो खत्म है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इतने लोग पता है, लिटरली मैं एक अभी आर्टिकल तैयार कर रहा हूँ उस पर, कितने बच्चे कितने लोग ऐसे, अभी एक आईटी बेचू में किसी ने सुसाइड किया, कोटा की तो बात ही छोड़ दो, कितना करता रहता है लोग। मेंटली इतना प्रेशर डालते क्यों है बच्चों पे यार, बच्चा है, जिंदगी है, कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा यार। उसको ये तो बताओ कि जिंदगी में सब देखो क्या जरूरी, रोटी कपड़ा और मकान, और इसी के लिए पैसा कमाता है इंसान, और पैसा कहीं से भी कमा सकता है। ये जरूरी थोड़ी कि डॉक्टर नाम के आगे डॉक्टर लगेगा तो कमाएगा, सीएसआर क्वालिफाइड होगा तभी पैसा कमाएगा, उसके बाद रोटी नहीं खा सकता। ये जरूरी नहीं कि यूपीएससी करेगा तभी कमाएगा, ये जरूरी नहीं कि एमबीबीएस करेगा तभी। पैसा कैसे भी कमाया जा सकता है, और पैसे से आपको अपनी जरूरतें पूरी करनी है, अपनी ख्वाहिशें पूरी करनी है। जिस दिन आपको ये समझ में आ जाएगा कि द ओनली थिंग, लॉ ऑफ सर्वाइवल ही चलता है, डार्विन का जो सिद्धांत था हर जगह वही अप्लाई होता है कि हर स्पीसीज उसमें से एक होमो सेपियंस सेपियंस भी अपने सर्वाइवल के लिए ही लड़ रहा है, और कुछ है नहीं। हमने बस अपने सर्वाइवल के लिए सुविधाओं का एक आसार कर दिया है, हमें अपने सर्वाइवल के लिए नौकरी चाहिए होती है, पैसा चाहिए होता है, बाकी जो है स्पीसीज उनको पैसे से मतलब नहीं, उन्हें भूख से खाने से मतलब है, दैट्स इट, उन्हें कपड़े से मतलब नहीं, उन्हें शेल्टर से मतलब नहीं, उन्हें चाहिए कि मुझे खाना मिल जाए, इसलिए वो शिकार करते हैं, वो आपस में लड़ते भिड़ते रहते हैं। हमने अपने कल्चर को ऐसा बना लिया कि हमें सर्वाइवल के लिए खाना मार्क नहीं लेना है, हमें या तो उपजाना है या तो खरीदना है। तो सर्वाइवल के लिए पैसा चाहिए, और पैसा कहीं से भी आ सकता है। उसके लिए बच्चों के ऊपर कभी भी मेंटली प्रेशर नहीं डालना, ना खुद ना कभी अपने आसपास के सिबलिंग्स पे, नहीं तो हर कोई लोड नहीं झेल पाता आज के टाइम में। इतना नाजुक होता है बच्चा कि बिखर जाता है, फिर उसके दिमाग में कुछ इधर उधर तड़पने लगता है, और ना उसका करियर अच्छा बनता है ना कुछ बनता है। आप जो बच्चा जैसा है उसे वैसे रहने दो, उसे मोटिवेट और डीमोटिवेट कुछ मत करो, उसे बस ये बोलो जो तेरा दिल करता है वो करो, दैट्स इट। आपका दिल करता है पढ़ो, नहीं करता है क्लास छोड़ के बैठो, लेकिन दिल करे तो करो शांति से, जस्ट डू इट। इसमें मोटिवेशन और ना मोटिवेशन का कोई रोल नहीं है, यू हैव टू सर्वाइव, यू हैव टू डू इट, दैट्स इट। फालतू की बातों से वापस आ जाओ।